ये लो कूड़ा फेंको प्लाट में और ये वाला नदी हम बहा देना है। कर लियो नाम रोशन करोगे ऐसे बहाओ कूड़ा बेटा, बहुत बढ़िया। क्या हो गया? हो क्या गया? कूड़ा करकट गड़ैया नदी नाला जो फेंक रहे हो पन्नी वन्नी, इससे कितना नुकसान होता पता है? अरे ठीक से पता है। इतनी तेज कंटाप मारेंगे समझ लेना, हमारी पूरी बात सुन लिया करो, हमको रामू काका ना समझ लेना। क्या है, क्या हो गया? अरे अरे यार दद्दू, ये लोग गलत कूड़ा फेंक रहे, धरती तबाह हो रही, ग्लेशियर पिघल रहा है। ग्लेशियर? अरे बर्फ के पहाड़ सब पिघले जा रहे हैं, ऐसे ऐसे गैसें मरनी, इनसे की गर्मी बढ़ रही धरती पे, और सब समुद्र स्तर बढ़ रहा, क्लाइमेट चेंज हो रहा, जलवायु परिवर्तन हो रहा। दद्दू रहने लायक बचेगी नहीं धरती अगर ऐसा, वो सब डूब जाएगी पानी पानी, बताए दे रहे हैं। क्या हो गया? इतना का है टेंशन ही आ गए, क्या हो गया? अरे यार दद्दू, कल हमको सपना आया था, हम लोग धरती तबाह कर दे रहे हैं, सब बर्बाद हुआ जा रहा दद्दू। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एलन मस्त तैयारी कर रहा ना। अरे दद्दू पांव छुईरन तुम्हें, तुम तो चले जाओगे लेकिन आगे की पीढ़ी क्या होगा? ये जो कूड़ा फेंका जा रहा, पोल्यूशन किया जा रहा, इसमें गैस उत्पन्न हो रही, सब धरती खराब हो रही, हम लोग एसी चला रहे तो चलती ही जा रही, गैस निकल रही उससे, सब धुआं धुआं करे दे रहे, बहुत सी ऐसी सामान होती जो वेस्ट नहीं होती है, बहुत दिन लग जाते हैं उनको खराब होने में, जैसे प्लास्टिक, पन्नी, लोहा, लंगड़, कांच, रबड़ की चीजें, टायर वायर, सब ये सब इतनी जल्दी नष्ट नहीं होते हो, इनसे गैस बनती है ऐसी ऐसी कि सब जलवायु परिवर्तन हो रहा, खराब हो रहा, इससे अच्छा है इनको रीयूज किया जाए, इनको सही जगह दिया जाए, सही जगह से इंडस्ट्री में यूज किया जाए, फैक्ट्री में इनका इस्तेमाल दोबारा से हो, इन्हीं से दोबारा चीजें बने, इनको ना फेंका जाए, इसको बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी, रीयूज, रिसाइकल। ठीक ठीक, अच्छा अच्छा, ये वरना एक तरह जमीन सड़ते रहते, उससे गंदी गैस निकलती, और इनको दोबारा अगर बनाओ, दोबारा प्रोडक्शन करो तो भी गैस निकलती, दोनों से नुकसान होता है, ये सब रोकना होगा, जिम्मेदार बनना होगा यार दद्दू, हम लोग को क्या मिलता है इसे फेंक के? सबसे ज्यादा तो तुम ही फेंकते हो। बोले महाराज, इतना बड़ा ज्ञान दे दिया समझ में नहीं आया होगा, सबसे ज्यादा तो तुम ही फेंकते। और क्या, कितने दिन से नहीं फेंका, जब से हमारा ब्रेकअप हुआ तब से हमने नहीं फेंका, 3 साल हो गए रोते रोते, सब बर्बाद हो रहा, धरती खराब हो रही। नहीं सही बात है, सही बात है, सर्कुलर इकोनॉमी इसका उपाय है, उन सब चीजों का रीयूज किया जाए, रिसाइकल होकर प्रोडक्ट बने, और हर चीज में फायदा हो, पॉल्यूशन कम हो, सांस अच्छी ले सको, ग्लेशियर जमे रहे, तुम जमे रहो धरती पे, अच्छे इंसान बनो, जिम्मेदारी निभाओ, नहीं करोगे तो मरोगे, बताए दे रहे। ऐसा कुछ नहीं होता, सब बतावे वाली बातें, हम नहीं समझा पाएंगे अब, अगर तुम्हारी इतनी भी अकल होए, समझ रहे हो, सुनो इधर देख लो, इतनी भी अकल होए तो चले जाना, योगी जी कार्यक्रम कर रहे हैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव का प्रोग्राम है, समझ लेना जाके, थोड़ा थोड़ा सूर होए तो अमल कर लेना और बन जाना कुछ, वरना पैर छू रहे तुम्हारी धरती बोझ तो हो ही, और तुमसे बात की हम ही पागल है। चल पापी दुष्ट आत्मा नरक के द्वार। अरे दादा महाराज, नरक का है, हमको तो स्वर्ग जाना था। स्वर्ग वाली सकल है, है? तुच्छ प्राणी, संभाल अपनी वाणी, तेरी आत्मा है नरक की ओर जानी। अरे लेकिन हम इतने पुण्य किए, वो सब क्या वेस्ट हो गए, क्या क्या हुआ उनका पुण्य? ये बताओ, अभी लखनऊ में यूपी गवर्नमेंट ने क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव कराया था, गए थे वहाँ पे? नहीं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पंचायत हुआ था, उसमें गए थे? नहीं। रेस कैंपेन में हिस्सा लिया था? नहीं भाई नहीं। कूड़ा फेंकना, पॉल्यूशन करना, धरती पे गंध मचाना बंद किया था? नहीं। तुमने ऐसा कोई भी काम किया जिससे जलवायु परिवर्तन जो हो रहा सही हो सके? नहीं, हम तो जानते भी नहीं ये क्या होता है जलवायु परिवर्तन। तुमको जब कुछ पता ही नहीं है तो जो करेगा वही फलेगा, तो तुच्छ तुम तुम प्राणी नरक की आग में जलेगा। मुन्ने कढ़ैया गरम करो, पकौड़ा बनने वाले हैं, पापी पकौड़ा, पापी पकौड़ा।
पापी पकौड़ा। अरे बाबा ऐसा ना करो, मतलब माफ कर दो प्लीज, हम मर जाएंगे, क्या होगा हमारा, मतलब मेरे बच्चों का क्या होगा, मतलब बीवी का क्या होगा। ते मूर्ख, तू मर चुका है, पगला था क्या पिछले जन्म में? एक मौका दे दो, मतलब नीचे जाके बता तो सके कि मतलब ऐसा ऐसा कुछ है, उन लोग को पता ही नहीं है, मतलब जाना पड़ेगा ना बताने, हैं? प्लीज 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 मत बोला करो, इरिटेशन होने लगती है हमको। ठीक, फिर बोला नहीं, मतलब ठीक बोला इस बार। ठीक है, जाओ, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार तुम्हें एक और मौका दे रही है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पर्यावरण, वन व जलवायु विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा